दिल्ली और लखनऊ में हुए आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी की कोशिश मोदी के हर दावे को खोखला साबित करने की है, लेकिन क्या वो उसमें कामयाबी हासिल कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। गुजरात में केजरीवाल के साथ हुए सुलूक का असर दिल्ली और लखनऊ ने देखा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संघर्ष में कई लोग घायल हुए। सवाल बीजेपी पर उठे और आम आदमी पार्टी पर भी। मौके की नजाकत को समझते हुए केजरीवाल ने आखिरकार पार्टी कार्यकर्ताओं की हरकत पर माफी मांगी। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। एक और केजरीवाल का सिर चुका, वहीं दूसरी ओर वो गुजरात सरकार पर हमला करने से भी नहीं चूके। वो लोग ये चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए। अभी सुबह से हम लोग गुजरात में जगह जगह गए। मोदी जी कह रहे थे विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ, हम देखने गए विकास कहाँ हुआ। गुजरात पहुंचकर केजरीवाल का एजेंडा मोदी सरकार के दावों की पोल खोलना था, लेकिन पहले दिन उठे बवाल ने आम आदमी पार्टी पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल गुजरात की जनता पर कितना असर डाल पाते हैं। इस समय अहमदाबाद से दीक्षित सोनी। तो सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी में भटकाव आ गया है, क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरे दलों की तरह राजनीति कर रही है, और जो हुआ इस सब के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और दफ्तरों पर हल्ला बोला, वो असल में गुजरात में पुलिस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को रोकने से पैदा हुई नाराजगी थी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी और मोदी को जिम्मेदार बताते रहे। लेकिन असल में सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी ने गुजरात पुलिस से रैली के लिए जरूरी इजाजत ली थी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की थी। आचार संहिता लगने के बाद सियासी रैलियों सभा और जुलूस को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश क्या है? किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को रैली की शुरुआत और खत्म होने की जगह और वक्त के बारे में स्थानीय प्रशासन को पूर्व सूचना देनी होती है, ताकि आवश्यक इंतजाम किए जा सके, और इस सूचना में आमतौर पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रैलीकर्ताओं को इस बात का ख्याल रखना होता है कि उनकी रैली से यातायात पर नकारात्मक असर न पड़े। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी तय वक्त के भीतर और प्रशासन की इजाजत से करना होता है। काफिले में गाड़ियों की संख्या को लेकर कोई तय नियम नहीं है, पर काफिले में जाने वाली गाड़ियों के बारे में सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होती है, जिसके बगैर की जा रही रैली को गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहिए कि ये मालूम होने के बावजूद कि बुधवार सुबह 10:30 बजे तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या आम आदमी पार्टी ने रैली के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली, और अगर नहीं तो ऐसे में केजरीवाल पर हुई कार्रवाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार कैसे हो गई, क्योंकि आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव से जुड़ी कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी राज्य के बजाय केंद्रीय चुनाव आयोग की हो जाती है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ ये हल्ला बोल एक तरह का दुष्प्रचार नहीं है। समय के लिए दिनेश गौतम।